नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मन की बात भारत की बात लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका प्रसारण हिस्ट्री टीवी 18 पर आज रात 8 बजे होगा। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। यहां उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, संस्थानों पर सत्ता पक्ष का कब्जा और विभिन्न समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सांसदी जाने की बात कही। देश के कई राज्यों में मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रिठाला से उस चाकू को बरामद कर लिया है जिससे आरोपी साहिल ने साक्षी पर 20 से ज्यादा वार किए थे। बता दें, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। 1984 में सिख विरोधी दंगे से जुड़े पुल बंगश मामले में आज सुनवाई होगी। सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में भीड़ ने एक गुरुद्वारे में आग लगा दी थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद अब पत्रकारों को दिए जाने वाला वीजे के मसले में आमने सामने आ गए हैं। चीन ने भारत पर उनके पत्रकारों के वीजा रेवेन्यू नहीं करने के आरोप लगाते हुए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि महरी गांव में गुरुवार देर रात को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था जिसके बाद से वहां मुठभेड़ शुरू हो गई है। देश भर की विधानसभाएं साल 2022 में औसतन 21 दिन चली। इस दौरान रोजाना 5 घंटे की बैठक हुई। 500 से ज्यादा बिल पारित करने के अलावा राज्य में बजट पास किए गए। इसी के साथ ही 56% बिल तो पेश किए जाने के दिन ही पारित हो गए। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।